तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको धारा 55 तक बता दिया था, तो हम अब धारा 56 से चालू करते हैं। तो देखिए, धारा 56 किस में आती है? चैप्टर 3 में आती है। और धारा 56 से लेकर 100 ऑन प्रूफ के बारे में बात करता है, मतलब तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं, ऐसे फैक्ट जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं, ये धारा 56 से 100 के अंतर्गत है। अब इसको हम समझते हैं। तो देखिए, धारा 56 हमारी देखिए क्या कहती है कि न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है। तो न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं, मतलब जो कोर्ट के द्वारा साबित किया जा चुका है उसको दोबारा साबित किया जाना आवश्यक नहीं, ये हमारी धारा 56 कहती है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें हम नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, धारा 57। तो देखिए, धारा 57 क्या है? वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी, ये धारा 57 कहता है। न्यायिक अवेक्षा मतलब दोबारा पुनर्विचार न्यायालय को करना होगा। अब आते हैं धारा 58 के बारे में। तो स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं। अब देखिए, जो फैक्ट एक बार एडमिशन हो गए, मतलब स्वीकृत हो गए हैं, उनको साबित करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि उनके बारे में साक्ष्य मिल चुके हैं, तो उनको दोबारा साबित करना आवश्यक नहीं है, धारा 58 हमारी कहती है। अब बात करते हैं चैप्टर 4 जो है, मौखिक साक्ष्य, जो धारा 59 से है। तो मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों को साबित किया जाना, मौखिक साक्ष्य के तथ्यों को कैसे साबित किया जाएगा? जैसे दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के द्वारा। मौखिक साक्ष्य कैसे हो सकते हैं? दस्तावेजी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो के सिवाय। फिर आता है धारा 60, मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हो गया? देखे जा सकने वाले तथ्य, सुने जा सकने वाले तथ्य, या अन्य इंद्रिय व रीति से बोध, या किसी परंपरा से बोध होते हो या इंद्रियों से बोध होते हैं। तो ऐसे मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होने चाहिए, एकदम क्लियर होने चाहिए। ठीक, अब आते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में क्या है? दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में। ये हमारा चालू होता है धारा 61 से। तो धारा 61 से लेकर, मतलब 61 से लेकर 65 बी तक मैंने एक ट्रिक बनाई थी। क्या थी? DPS DPDS EPEA। डी मतलब 61, पी मतलब 62, एस मतलब 63, डीपी मतलब 64, डीएस मतलब 65, ईपी मतलब 65A, ईए मतलब 65B। तो 61 देखिए हमारी क्या कहती है? दस्तावेज की अंतर्वस्तु प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकेंगे, मतलब डॉक्यूमेंट का जो सब्जेक्ट है उसको प्राथमिक व द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित कर सकेंगे। अब ये प्राथमिक और द्वितीयक क्या है? तो प्राथमिक मतलब हो गया फर्स्ट, जो ओरिजिनल कॉपी होता है, और द्वितीयक मतलब सेकंड, जो फोटो कॉपी होता है। ठीक है, तो ये धारा 61 कहती है। अब धारा 62 प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बताया गया। दस्तावेज एक रूपात्मक द्वारा बनाई गई मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण हो सकती है, इसको हम प्राइमरी डॉक्यूमेंट या मतलब प्राथमिक साक्ष्य कहते हैं, जो हमारा धारा 62 के अंतर्गत आता है। तो 61 में क्या था? डॉक्यूमेंट के अंतर्गत प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर 62 क्या था? प्राइमरी डॉक्यूमेंट मतलब प्राथमिक साक्ष्य, मतलब प्राइमरी एविडेंस। फिर आता है 63 का मतलब हो गया एस, मतलब सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य। ये क्या होता है? स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती है, मतलब उस ओरिजिनल कॉपी की सुनिश्चितता, मतलब एक तरह से सियोरिटी प्रूव करती है। मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां, मतलब ओरिजिनल कॉपी से बनाई गई या उससे कंपेयर की गई जो प्रतियां होती हैं, मतलब कॉपी जो होती है, वो हमारा क्या होता है? सेकेंडरी एविडेंस होता है, जिसको द्वितीयक साक्ष्य बोला जाता है। ठीक, अब बात करते हैं 64 की। तो दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना, 64 में क्या था? 63 सेकेंडरी हो गया था, 64 डॉक्यूमेंट्री
डॉक्यूमेंट्री ऑफ प्राइमरी, डॉक्यूमेंट प्राइमरी, डीपी मतलब डॉक्यूमेंट प्राइमरी 64, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना, सेक्शन 64। फिर आता है धारा 65, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवस्था जिनमें दस्तावेज के संबंध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा, ऐसा सिचुएशन जिसमें डॉक्यूमेंट के संबंध में मतलब डॉक्यूमेंट के रिलेशन में सेकेंडरी डॉक्यूमेंट दिया जा सकेगा। जैसे सेक्शन 66 में वर्णित सूचना के बाद उसे पेश नहीं कर सकते, लेकिन इसका एक अपवाद क्या है कि 66 में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बाद उसे पेश नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 65 कहता है। फिर आता है 65A, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रावधान, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष प्रोविजन प्रावधान दिए गए, ये 65A है। फिर आता है 65B, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राहता, ग्राहता मतलब होता है ग्रहण करना कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, कौन से इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे। फिर आता है 66, जो हमने बताया था पेश करने की सूचना के बारे में नियम, ये जो धारा 66 है उसकी इन्फॉर्मेशन के रूल हैं उसमें। फिर धारा 67 क्या है, जिस व्यक्ति के बारे में अभी कथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था, उस व्यक्ति का हस्ताक्षर साबित किया जाना। मान लीजिए जिस व्यक्ति ने वो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने लाया गया या पेश किया गया है उस व्यक्ति का हस्ताक्षर साबित किया जाना, क्या सच में उसने दिया है कि नहीं दिया। फिर आता है 67 का ए, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में सबूत, अब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में जो प्रूफ होगा वो कैसे दिया जाएगा। अब इसमें आता है अगला क्या है, सेक्शन 74। अब देखिए 67A तक मैंने आपको बताया, अब 68, 69 से लेकर 73 तक इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तो भी आप बेरक से पढ़िएगा जरूर और उसके दृष्टांत भी देखिएगा। सेक्शन 74 देखिए क्या है, लोक दस्तावेज जिसको सरकारी दस्तावेज कहते हैं। अब सरकारी दस्तावेज क्या होते हैं आपको एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, जानते होंगे कि सरकारी ऑफिसर में रखे हुए ऐसे सभी डॉक्यूमेंट को सरकारी दस्तावेज कहा जाता है। सेक्शन 75 धारा 75 क्या है, प्राइवेट दस्तावेज, प्राइवेट डॉक्यूमेंट उसको प्राइवेट दस्तावेज बुलाता है। धारा 76 सेक्शन 76 लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, अब उस सरकारी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां जिसको प्रमाणित करता है या अधिकारी करेगा या कोई लिपिक करेगा जिसको अथॉरिटी दी गई होगी। फिर आता है धारा 77 प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेज का सबूत, अब प्रमाणित प्रतियों को जब पेश किया जाएगा कोर्ट में तो उन दस्तावेज का प्रूफ क्या है उसको सबूत को पेश करना। फिर आता है सेक्शन 78 अन्य शासकीय दस्तावेज का सबूत, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव मतलब सरकार के द्वारा जारी की गई उद्घोषणा, आदेश व विनियम, ये अन्य शासकीय दस्तावेज का सबूत है जो धारा 78 में आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है या स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव करती है या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव अप्रूव करता है या सरकार किसी उद्घोषणा पत्र को जारी करता है या किसी आदेश को जारी करता है या कोई विनियम को बताता है, किसी एक्ट को घोषणा करता है उसके बारे में, तो ये हमारे धारा 78 हो गए। अब दस्तावेज के बारे में उपधारणा है जो कहाँ से कहाँ तक है, 79 से लेकर 90A तक है। अब ये क्या है इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। तो 79 क्या है, प्रमाणित प्रतियों के असली होने की अवधारणा, जो डॉक्यूमेंट प्रमाणित हैं उनके रियल होने की अवधारणा क्या है, प्रूफ क्या है। धारा 80 साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में, साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश किए गए मतलब एविडेंस के अभिलेख के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं उनके बारे में अवधारणा है, ये धारा 80 कहते हैं। अब धारा 81 राजपत्रों, समाचार पत्रों और पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेज के बारे में उदाहरण, ये उदाहरणा कैसे लिए, राजपत्र मतलब राज के द्वारा जो राजपत्र निकाले जाते हैं, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर, पार्लियामेंट में जो एक्ट बनते हैं,
या कोई अन्य या कोई डिफरेंट डॉक्यूमेंट के बारे में उदाहरण कैसे ली जा सके। 81A इलेक्ट्रॉनिक रूप में राजपत्रों के बारे में उदाहरण, अब जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी किए गए उनके बारे में उदाहरण, ये 81A कहता है। 82 मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना, मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना, जैसे इंग्लैंड में गृह दस्तावेज के बारे में उदाहरण है इंग्लैंड में, ये सेक्शन 82 है। ध्यान रखिएगा ये लिख के ही पूछा जाता है कि ये कौन सी धारा के अंतर्गत है, किस चैप्टर के अंतर्गत है। फिर आता है धारा 83 सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्र रेखांकों के बारे में उदाहरण। अब सरकार या उसके प्राधिकरण द्वारा जो मानचित्र बनाए गए हैं या जो रेखांकन किया गया है उनके बारे में उपधारणा कैसे की जाएगी, तो ये हमारा सेक्शन 83 कहता है। अब आता हमारा सेक्शन 84 विधियों के संग्रह और विनिश्चयों के रिपोर्ट के बारे में उदाहरण। विधियों के संग्रह मतलब लॉ को जो कलेक्ट किया जाता है उनके रिपोर्ट के बारे में उपधारणा किया है। धारा 25 मुख्तार नामों के बारे में धारणा। अब मुख्तार नाम क्या होता है, मुख्तार नाम जैसे आपने पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में सुना होगा उनके बारे में उपधारणा किया। 85A अब ए से एग्रीमेंट याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक करार के बारे में धारणा, अब जो इलेक्ट्रॉनिक करार हुआ है इलेक्ट्रॉनिक जो संविधा उनके बारे में उपधारणा किया है। 85B इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में उपधारणा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में उपधारणा किया। 20 से रिकॉर्ड और सिग्नेचर, 85B क्या है रिकॉर्ड और सिग्नेचर। 85C मतलब सर्टिफिकेट, 85G इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के बारे में उपधारणा किस तरह से, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, बाकी हम अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।